नरसिंहपुर जिले की तहसील तेंदुखेड़ा में एक घर में सिलेंडर के फटने से आग भड़क गई। प्राथमिक स्तर पर परिजनों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन जब बात ना बनती नजर आई तो तत्काल पड़ोस में आवाज लगाई गई। तब तक आग ने इतना वृहद रूप ले लिया था कि उसे काबू कर पाना मुश्किल था। इस आग को बुझाने के दौरान नजदीकी रिश्तेदार भी इस आग में झुलस गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी, हादसा हुआ इस कारण से, जो गैस की नली में आग ही लगी शटर में, सो बास हो गई पूरे में आग। घर गृहस्थी का तीनों का सामान जल गया, पूरा सामान जल गया। शासन से कोई सहायता राशि? अभी तो कोई सहायता राशि, कोई बड़ा अधिकारी मौके पर आया? अभी ने बाद में आए, घंटा डेढ़ घंटे बाद। फायर ब्रिगेड लेट आई क्या? हाँ, लेट आई थी। बच सकता था उसमें? बच जाता, मन लेट आई गाड़ी तो नहीं बच पाया। पुलिस टाइम पे नहीं आई? पुलिस भी बहुत बाद में आई थी। खाना बना रही थी। कितने बजे? ऐसे 11 बजे। आज शरद का कार्यक्रम था? हाँ, शरद का कार्यक्रम था उसका। तो किस कारण वो नीचे शटर खुल गई, सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर कारण एकदम से आग लग गई। आग लग गई, पूरे में फैल गई गैस। बाहर कंट्रोल कर लेंगे, निकला ही नहीं पाया तो वही गिर पड़े थे सिलेंडर पे। जानकारी में यह है कि कल रात में लगभग 10:30 के आसपास वार्ड 8 में आग लग गया, और आग लगने से तीन ब्लॉक मकान के, जो तीन ब्लॉक थे उसमें क्षति हुई है। और ये लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास की घटना है। इसमें किराएदार जो थे रुक्मिणी बाई, सुरेंद्र रैकवार और श्यामलाल पाटकर, इन तीनों लोग किराएदार थे। किराएदारों की जो गृहस्थी की सामग्री है वो क्षति हुई है, और इसके जो मकान मालिक हैं संजय उपाध्याय, उनके घर को नुकसान हुआ है। सर, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें जो हमारे राजस्व बुक परिपत्र के जो प्रावधान है 6.4 के अनुसार, इसमें जो निर्धारित मुआवजा है वो हम गृहस्थी नुकसान के लिए गृहस्थी वाले को, और जो मकान क्षति वाला है उसको मकान मालिक को देंगे। तेंदुखेड़ा से EMS TV के लिए राजेश पटेल की रिपोर्ट।